And this is something I'm going to discuss today because the sudden changes pattern has caused a lot of panic amongst a lot of students. So I'm going to decode the a trade pattern or you could say the a new pattern for you guys. And I'm going to make you guys understand as to how can you prepare under this new pattern as well. Because there is no need to get panicked about it. There are a lot of similarities of the a new pattern with the Clats new pattern. सो so, पहले हम बोलते थे कि एलेट का जो ओल्ड पैटर्न है दैट इज ए क्लैट ओल्ड पैटर्न आल्सो तो हमको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी वही हमको फिर से एक्स्ट्रा करनी है उसके अलावा हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एज टू हाउ दे हैव ऑमिटेड थिंग्स थिंग्स एंड हाउ कैन जो कि ऑमिट भी हुई है जो हमको लग रहा है वो किसी तरह से एग्जाम में आ सकती है जिसके चांसेस बनते हैं सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन आर प्रिपरेशन एनी मेजर चेंजेस आई वु इन आर प्रिपरेशन हम क्लैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और एलेट के लिए कुछ माइनर चेंजेस हम करेंगे विच आई नोट डिस्कस इन दिस पर्टिक्युलर वीडियो सो फर्ट ऑफ ऑल द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन फर्स्ट ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट उसके अलावा देर आर गोइंग टू बैंटी मिनट वन फिफ्टी क्वेश्चन लाइक दू नो ओल्डर पैटर्न फॉर एलेट

टेदर इज रेन एंड मार्टिन तो आप रेन एंड मार्टिन ले सकते हो और उससे डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन पर्टिक्युलरलीट कम्स टू द इंग्लिश सेक्शन अनदर पॉइंट इज वोबुलरी अब डेफिनेटली पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है इंग्लिश का तो वोबुलरी के लिए पावर मेड इजी बट वर्ड पावर मेड इजी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ओनली दी न्यूज पेपर एडिटोरियल ऑल्सो सफाइज अगर आप न्यूज डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो आपको पता होगा अपने टेलीग्राम पर रोज आपको हेडलाइन देना होता है हिंदू की जो आपको रेगुलरली पढ़नी है ठीक है तो वो अगर आप पढ़ भी पा रहे हो दैट इज मोर देन नफ उसमें जो नए वर्ड आते हैं उसको नोट करो एक नोटबुक बना सकते हो एंड देट विल टेक यू थ्रू क्शन इजी मार्क्स जनरलिंग स्ट्रेट फ्रॉम जीके टूडे ठीक है इट इज गिमेन दी सेम तो so, हम लोग स्ट्रेटेजी भी सेम फॉलो करेंगे जो हम जनरली एलेट के लिए फॉलो करते थे उसके अलावा जो हमारा थर्ड सेक्शन है so, third section, ज दी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अब लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अब सेवन में क्या पूछेंगे मैथ हट गया है या लीगल रीजनिंग हट गया लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड थ्री थिंग्स एनालिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज लीगल रीजनिंग बिकॉज आपने देखा होगा जनरली जब टाई होता था दो स्टूडेंट में तो लीगल रीजनिंग के मार्क्स को टाई ब्रेकर माना जाता था यहां पर लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स को टाई ब्रेकर माना जाएगा

क्वेश्चन पूछे गए ऑन आर नॉलेज ऑफ यू नो बेसिक लॉज विच इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन इनका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आपको क्लैट जैसे एग्जाम के लिए जाना है एलेट के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है तो, so तो सो इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल क्रिटिकल एंड लीगल रीजनिंग ऑल्सो तो यहाँ पर मैथ्स थोड़ा सा ऑमिट हो गया तो मैथ्स को मैथ्स के आपको सारे सेक्शन नहीं पढ़ने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने फॉर एलेट पर्टिकुलरली बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट तो प्लीज गाइज डोंट ऑमिट इट ठीक है इसको ऐसे बहाना मत समझ लेना कि अब एलेट में नहीं आ रहा तो हम नहीं करेंगे I think a lot of students have this doubt कि क्या हमको देना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। नहीं मेरा मानना ऐसा है कि आपको एलेट दे देना चाहिए बिकॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एलेट ना क्लैट के एक हफ्ते पहले होता है जनरली सो दिसम ऑल्सो फर्स्ट में तो एलेट वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ ए नेशनल लेवल एग्जाम अगर हम क्लैट में सीधा जाते हैं ना Kind of बाद में रिग्रेट है हम सोचते यार, शिट, ये गलती कर दी हमने बिकॉज नो एलिट जब आप देने जाते हो एक हफ्ते पहले आपको सारी गलतियां पता चल जाती है जो आप एग्जाम में पोटेंशियली कर सकते थे क्लाइट में वो गलती सुधारने के लिए आपको एक हफ्ता और मिलता है एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट फॉर क्लैट बिकॉज आप एक एग्जाम नेशनल लेवल पहले दे चुके, चुके होते होना स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है वी आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दीज आर सर्टन थिंग्स इट हेल्पअस आई अंडरस्टैंड एलिट है इट इज एन एल यू डेली ऑन ऑफर विच इज अनादर वेरी वेरी गुड कॉलेज तो इसीलिए प्लीज राइट एलेट ठीक है डो नॉट शाये अवे फ्रॉम इट इट इज वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर लॉ इन द कंट्री थ्रू एलेट यू गेट एन यू डेली तो बिल्कुल लिखना इट्स गुड एक्सपीरियंस एज वेल इफ नथिंग अगर आपको एनल यू डेली जाना भी नहीं है तो इट्स वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस यू शुड डेफिनेटली राइट इट उसके अलावा आई थिंक अ लॉर्ड ऑफ यू वुड नो देट आई बीन टीचिंग एन अकेडमी इज वेल आई बीन टेकिंग प्रिपेरिंग फॉर क्लैट एंड एलेट बोथ दर ठीक है स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ न्यू बैचेस उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग के लिए बहुत सारे क्विजेस लेता हूं इनफैक्ट एट 9:15 पीएम एवरी सिंगल डे आई टेक अ फ्री क्लास फॉर यू गाइस जहां पर मैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक डिस्कस करता हूं और क्विजेज भी लेता हूं तो उसके कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए दिया डेफिनेटली यू कैन यू नो सी देम फॉर योरसेल्फ फॉर एब्सोल्युटली फ्री राइट

subscription on an academy there is soon going to be a price hike on this oh, price hike se pehle, i request all of you guys that if you're genuinely looking to prepare for clat 22 or 23 with me you can definitely take a subscription i'll be very happy to guide you for clat 22 as well as for 23 that's it about the session from my side if you have any doubts with respect to ALETSQ pattern please mention in the comment box i'll be very happy to take it from there and answer it for you guys thank you so much guys keep watching our sessions keep following us and keep motivating us like this thank you so much bye again